पवार का इस्तीफा और राहुल का फोन कॉल। राहुल ने सुप्रिया सुले को क्यों किया फोन? क्या है महाराष्ट्र की सियासत का गेम? एनसीपी चीफ शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान क्या किया? महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल सा आ गया। इसके तुरंत बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने पवार के इस्तीफे का विरोध किया। इस बीच शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर कहा कि उन्होंने पार्टी के भविष्य के लिए ही अध्यक्ष पद छोड़ा है। इस बीच खबर ये भी है कि इस्तीफे के बाद बेटी सुप्रिया सुले के पास कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फोन आ पाया था। दोनों के बीच क्या बात हुई, क्या चर्चा का विषय था, ये बात अभी निकलकर सामने नहीं आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक मंगलवार को शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद राहुल गांधी और एमके स्टालिन ने सुप्रिया सुले को फोन किया था। राहुल और स्टालिन दोनों ने ही सुले से पवार के इस फैसले के पीछे की वजह के बारे में पूछा था। हालांकि एनसीपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए शरद पवार ने कहा कि अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला पार्टी के भविष्य के लिए लिया गया है। शरद पवार ने कहा कि सभी कार्यकर्ता इसे स्वीकार करें, पार्टी के भविष्य के लिए ही ये फैसला लिया गया है। हालांकि फिर भी पार्टी कार्यकर्ता शरद पवार के मान जाने का इंतजार कर रहे हैं। शरद पवार के ऐलान के बाद अब ये चर्चाएं हो रही हैं कि अब पार्टी की कमान कौन संभालेगा। इसमें तीन नाम बड़े चर्चा में थे, जिनमें सुप्रिया सुले, अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल का नाम था। इनमें से पटेल खुद को अलग कर चुके हैं। प्रफुल्ल पटेल का कहना था कि जब तक पवार साहब के इस्तीफे पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक एनसीपी के नए चीफ को लेकर सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। वहीं बात करें राहुल के फोन कॉल की, तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल और स्टालिन ने सुप्रिया सुले को फोन करके पूछा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पवार जी ने अचानक ही ऐलान कर दिया। उनका मानना था कि शरद पवार को अपने फैसले पर एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। वहीं खबर ये भी है कि एनसीपी जैसी विचारधारा वाली दूसरी पार्टियां चाहती हैं कि पवार कम से कम लोकसभा चुनाव तक पार्टी की बागडोर को संभालें, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाअघाड़ी में कोई फूट आए। सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को खड़ा करने वाले शरद पवार ही हैं। इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं और समर्थकों के बार बार अपील करने के बावजूद अपना पद छोड़ने का फैसला वापस नहीं लेने को तैयार हैं, जिसके बाद अब ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी, जबकि भतीजे अजित पवार राज्य इकाई के प्रमुख होंगे। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।